ना दीदी बनाने की घड़ी जल्दी बज रही है। पावनी बोल रही हूँ। पावनी, how are you? Better than you. और भाभी अभी पूजा में तो बात करवाती हूँ तेरी। नमन ने भाभी से बात ना करनी, अपनी दीदी से बात करनी है। यार दीदी इज माई भाभी डफर। और अभी पूजा चल रही है, वो फिनिश करके फोन कराती हूँ, ठीक है? ओके। देखो बेटी अभी ये आखिरी रीत है, ये लीजिए कपड़ा और रोली। अब इस कपड़े पर अपना और अपने पति का पूरा नाम लिखकर देवी माँ के चरणों में रख दो। छोरी रुहेलना है, अब तू रजावत है। अरे छोरियां अपना उपनाम मायके में छोड़ के आती हैं, तो पिता का नहीं पति का उपनाम लिख। हाँ पर मम्मी जी दोनों सन्ने में तो यूज कर सकते हैं ना, गरिमा रुहेल रजावत। ना बेटा, पुरानी पहचान छोड़ेगी तभी तो नए रिश्ते अपनाएगी, हैं? ना यही रीत है हमारे घर की तो, हैं? पर मम्मी जी रीत सिर्फ लड़कियों के लिए लागू क्यों होती है, लड़कों के लिए क्यों नहीं? मैं तो बस दोनों परिवारों को इक्वल प्यार और सम्मान देना चाहती हूँ। ना पढ़ी लिखी बहू है, उठपटान सवाल तो पूछेगी। शहर में रह के लड़कियों ने ऐसे ही पटंग ख्याल आते हैं। हमें तो मना कर रही थी दारोगा अम्मा, इब खुद ही शहरी बहू ला के फंदे में पाव फंसा दी। ना मैं क्या करूं माता रानी, कोई तो रास्ता दिखा। अब पंडित जी, सीता जी को किन किन नामों से जाना जाता है? मैथिली, वेदेही, सिया और जानकी। जानकी? जानकी क्यों? जनक राजा की पुत्री थी ना वो, और उनके पिता से ही ये नाम उनको मिला है जानकी। तो जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से शादी होने के बाद भी सीता जी अपने पिता के नाम से जानी जा सकती है, तो फिर मैं गरिमा रुहेल रजावत क्यों नहीं लिख सकती? आया उठ पहाड़ के नीचे बड़ी टक्कर की बहू मिली से दरोगा अम्मा ने। इब तक तो सिर्फ यही बाल की खाल निकालती थी, इब इनकी बहू भी निकालेगी। ना टीचर बहू है ना कोई शिक्षा तो देगी। मने भी अब नित नए सबक सीखने को मिली रहे हैं। माता रानी, मुझे अपने पापा की उम्मीदों पे खरा उतरने और उनकी धरोहर की रक्षा करने की हिम्मत और सूझबूझ देना। मामी जी ठीक है, मैं फिर ना प्रसाद तो बना दे, ब्राह्मण देवता को अपने हाथ से भोग लगा ना, फिर चली जाइए जहां जाना है, है?
पापा आपने इतनी हिम्मत दिखाई है तो हम भी पीछे ना हटेंगे। बस आज पहला दिन था तो इसलिए लेट हो गया। हाँ पापा, कल से बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाऊंगी पापा। मैं भी। तुम दोनों इतनी रात गए, यहाँ कैसे आ गए हो? मैंने पुट्टू के मैसेजेस देख लिए थे। आपके पापा आपका वेट कर रहे हैं ना, तो आप जाना चाहो तो वो आओ, मैं यहाँ कवर कर लूंगी। मैं तो अपना एडवांस बुकिंग कर रही हूँ। अब कल को मैं कोई कांड करूंगी तो आपको भी तो साथ देना पड़ेगा ना, क्या कहते हो? डील? डील। मम्मी जी को तो बहुत बुरा लग रहा था पापा, पर उन्होंने घर में पूजा रख ली थी इसलिए मुझे रुकना पड़ा। अब नई बहू के बिना पूजा कैसे हो सकती थी? लेकिन पूजा खत्म होते उन्होंने बोला कि अग्नि गरिमा को दुकान पे छोड़ के आ। ना मुझे सब कैसे हो रहा है गरिमा की बात पे? सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है? ना गरिमा दीदी तो हवन में बिजी थी, आप कहाँ रह गई थी सुशीला दीदी? वो ना शादी इतनी सडनली हो गई ना पापा कि वो माधव को टेम ही ना मिला। मतलब माधव ने जब घर पे अपने पापा और भाई को बताया ना तो वो लोग तो इतना शॉक हो गए और इतना खुश भी हो गए कि उन्होंने रातों रात अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बता दिया। तो सबके सब आज नई नवेली दुल्हन को मिलने आ गए थे और उसी में पूरा दिन निकल गया पापा। और ये रॉयल फैमिली के बिना इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना पापा कि के बताओ। वही सब माधव समझा रहा था मुझे, वही ड्रॉप करके गया मुझे अभी। ना पता नहीं सच बोल रही है कि झूठ, पर पापा सुन के कैसे खुशखुश हो रहे हैं। चलो अच्छा हुआ तुम दोनों को अच्छा ससुराल मिल गया। किस्मत की धनी हो तुम दोनों, और इस बात का ख्याल रखना और माता रानी का हमेशा शुक्रिया अदा करते रहना है? और ये दुकान के साथ साथ अपने परिवार का भी ध्यान रखना है? अरे बाकी छोरियों के लिए भी उदाहरण बनना, नहीं तो अगर तुम लोग फिसल गई ना तो ताने देने वाले तो हजार बैठे। पापा कल मिलते हैं एकदम टाइम पे। ठीक है बेटा। ऑल वेल द एंड वेल। नाउ वेल तो पता नहीं बेटा, पर ये जो अलग अलग रास्ते जा रही है ना और एक दूसरे को मुड़ के भी ना देख रही है, ये तो वेल ना है। आज से इस घर पे कोई टोका डाकी ना चलेगी। तेरे उसूलों पे बहुत चल लिया यो घर यो गांव। आज से तने अपनी सोच बदलनी पड़ेगी कोमल। पर मैं आज से इस घर के सारे फैसले घर की बहू लेगी और तुझे उन फैसलों को बिना टूटा के मानना पड़ेगा। लेकिन मेरी आज से ना सिर्फ तू अपनी बहू को नौकरी पे भेजेगी बल्कि तू भी नौकरी करेगी। नौकरी? हाँ, मेरे स्कूल में वो पानी पिलाने वाले की जगह खाली है, कल से आ जाना क्योंकि कल से तू जितना कमाएगी उतना ही खाना मिलेगा। है नहीं? जिसके सीने में धड़कता है एक जिद्दी दिल, जो रुक गया वो ठुक गया, वो है स्पेशल एजेंट करण शेरगिल और ये है डॉक्टर मोनामी। इन्हें अपने दम पर लिखनी है अपनी कहानी। जिद से भरा हो जिनका दिल, यहाँ उन्हीं को मिलती है मंजिल। शीला, तो शीला क्या लड़की है ये?
तो सीधा कमजोरी पे अटैक कर रहे हो गरी मुझे। मैं करता हूँ ना कुछ, मैं पक्का करता हूँ, आप टेंशन ना लो। कैसे करोगे, कोई प्लान है तुम्हारे पास? यूं झूठ ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकता। मैं करता हूँ ना कुछ, मैं करूंगा। मैं आप मुझे एक हफ्ते का टाइम दे दो, मैं सिर्फ वन वीक मेरी मर्जी, मैं सिर्फ एक हफ्ते के लिए टीचर होने का ड्रामा कर लो ना। अगर एक हफ्ते में मैंने सोल्यूशन ना निकाला ना, तो आपकी जूती मेरा सर, आपका फैसला मेरी किस्मत। अरे रुक, मेरा भी एक काम कर दे, ये ले। यूके है मम्मी जी। त्याग पत्र, गरिमा के स्कूल जा, उसके प्रिंसिपल को देना। और हाँ ये भी बोलियो कि कल से छोरी काम पे नहीं आएगी। मम्मी जी वो अचानक क्यों? ये तो सेवा का काम है ना, पुण्य का काम है ना, यू तो ना पुण्य का काम तो है। कल सुन रही थी मैं उसे कैसे अपनी बहन की पैरवी कर रही थी। मुझे लगा ये तो मुझसे बहुत अलग सोचती है। जितना वक्त बाहर गुजारेगी उतनी मुश्किल होगी हमारे घर के संस्कारों को अपनाने में। अरे इससे पहले के बात बिगड़ जाए, लगाम अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। छोरिया बनी छोरे, फिर करामात दिखाई डट के बोली कोर्ट में हम भी हो सकते नहीं। Wow, fantastic यार, this girl is beyond my imagination. डैड, देखा आपने, पहली बार आपकी आंखों के सामने आपको बिना बताए मेरी गाड़ी में बैठ के निकल गया। उसने आपसे परमिशन भी नहीं ली। आज से पहले तो ऐसा नहीं हुआ। टाइम्स आर चेंजिंग डैड, वक्त बदल रहा है। इसीलिए मैं कहता था, इसीलिए कहता था कि औरतों से बच के रहो। डाल दी ना बाप और बेटे के बीच में दरार। अगर जल्दी कुछ नहीं किया ना, तो ये दरार बन जाएगी खाई, और इस लड़की के चक्कर में मेरा बेटा ना बन जाए ना ही। एक काम कर, तू सुशीला के परिवार की पूरी डिटेल निकाल। उसके परिवार में कितने मेंबर हैं, कहां कहां जाते हैं, क्या क्या काम करते हैं। और हाँ, इसका जो जीजा है ना, ये पुलिस वाले जीजू, उसकी इंफॉर्मेशन निकाल, जिसे उसकी बहन ने शादी की। हेलो। हाँ हेलो भैया। मम्मी ना भाभी के पीछे घर से निकली और बता भी नहीं दिखाने के लिए। मैंने फोन किया था पीछे से, मार्केट का शोर आ रहा है, तो एक बार आप भाभी को फोन कर दो। मैं तेरी भाभी फोन ही तो ना उठा रही पावनी, मन नहीं कुछ करना पड़ेगा। चल ठीक है। मार्केट का शोर आ रहा था कि मम्मी गरिमा जी के पीछे पीछे आती बाजार तो ना निकल गई। तुम तो फैंटास्टिक हो। वैसे इस शॉप में इंप्रूवमेंट का काफी स्कोप है। यू सी एयर कंडीशन नहीं है, एंड डोंट माइंड, लेकिन साड़ी में बाल कौन काटता है? क्यों, बाल काटते कभी कोई ड्रेस कोड होता है? जब शर्ट पैंट में बाल काट सकते तो साड़ी में भी बाल काट सकते हैं ना। वेल तुम यहाँ ध्यान दो ना, तुम रिलैक्स करो, एकदम फैल के बैठो। मैं बहुत ही अच्छा हेड मसाज देती हूँ। ओह प्लीज। Thank you.
मैडम जी ये रहने दो बाल कटिंग, मन्ने भी ऐसा हेड मसाज दे दो बस। जैसे मुझे पता ना है ये सब मुझे चढ़ाने के लिए कर रही है। ओ, ओ मैडम जी रुको रुको, इनको तो जिंदगी के मजे आ रहे, हमारी आपने रेल बना रखी है। मन्ने भी ना सेम टू सेम ट्रीटमेंट चाहिए। हाँ ना ज्यादा डिमांडिंग होने की जरूरत ना है, वो उसका पति है, ये स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ पति के लिए है। पति? तुम सीधा बैठो। बट मैडम जी ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट पति को घर पे जाके दो ना, यहाँ दिखा दिखा के हमें काहे जला रहे हो। हमारी उम्मीदें बिना बात के बढ़ा रखी है आप लोगों ने, मन्ने नहीं कराना कुछ भी आप लोगों से, हमारी गर्दन वर्दन टूट जाएगी, मन्ने नहीं कराना, करो भाई साहब का मसाज आराम से। I think I should leave. मैं घर पे मिलती हूँ। ना दीदी भाई दिस कस्टमर ऐसे मुंह टेढ़ा करके चला गया। तो मुझसे क्या पूछ रहा है, अपनी ससुराल दीदी से पूछना। दुकान में कस्टमर से कैसे बिहेव करना है भूल चुकी है, ये तो प्यार में डुबकियां खा रही है। ना दीदी प्लीज, ना तू अपनी गरिमा दीदी को बोल दे पुत्तू मैं कुछ भूली ना हूँ, और ये दुनिया के ना चीप इंसानों का मैंने ठेकाना लेकर रखा है, जिसको जो सोचना है सोचे, मैं क्या करूँ। यही इसकी प्रॉब्लम है, अपने किसी भी एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी सीखी ना है। ना पुत्तू इसको बोल दे दुकान में काम कर रही है ना तो अपने काम से काम रखे, मेरे ऊपर कमेंट्री करने की कोई जरूरत ना है। ना दीदी अगर आप दोनों आपस में से लड़ाई करोगे तो आते बुतार वाले तो खुशी के मारे वो पटाखे जलाएंगे। साहब मैं धर्मपाल सुशीला के पापा, और ये मेरी धर्मपत्नी है कुसुम। हम आपका धन्यवाद करने आए थे कि आपने छोरी को अपने बहू के रूप में स्वीकार कर लिया और अपने घर परिवार में जगह दी। ये किसने कह दिया आपको? हम कुछ समझे नहीं। ज्यादा समझने समझाने की जरूरत नहीं है, इतना आई क्यों नहीं होगा आप लोगों का? जी जी यू क्यों कह रहे सोन के साहब, ऐसा क्यों हो गया अचानक? कल तक तो आप उसका स्वागत कर रहे थे और आज इतनी बड़ी बात कह रहे। कौन से स्वागत की बात कर रहे हैं आप? किसने किया स्वागत, कब किया स्वागत, कैसा स्वागत? मेरी छोरी ने गृह प्रवेश की तस्वीरें भेजी मुझे, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूं। ये लीजिए। ये मिस सुशीला रोहल तो कुछ ज्यादा ही चंट निकली। यही तो मैं चाहता था, ये जो तस्वीरें हैं मेरे पॉइंट को टू द पॉइंट प्रूव करती है। अच्छा वैसे आई वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग, एक बात बताइए मुझे, ये आप लोग जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, ये क्या बेटियों को पैदा होते ही किसी इंस्टीट्यूट में भर्ती करवा देते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जहां ये ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे
अच्छे बड़े रईस खानदान के लड़के को फंसाया जाता है, ट्रैप किया जाता है, जैसे आपकी बेटी ने मेरी बेटी को फंसाया ताकि वो हमारे पैसों पर ऐश कर सके। सोलंकी साहब, आप कुछ ज्यादा ही बोल गए। आपको मैं याद दिला दूं, आप मेरी छोरी के बारे में बात कर रहे हैं। आप शांत हो जाइए ना भाई साहब, हम समझ सकते हैं इस स्थिति में शादी हुई अचानक आपको बिना बताए आपका ऐसा महसूस करना जायज है, पर हमारी सुशीला ऐसी ना है। अरे वो तो दिमाग से ज्यादा दिल से सोचती है। आपको जरूर कोई गलत रॉयल्टी है। हम रॉयल्टी, हमें गलत फहमी नहीं होती है। अरे आप जैसे आम साधारण लोगों को देखते ही हम परख जाते हैं। मैडी अभी बच्चा है, लड़की की बातों में आ गया। आपकी बेटी को इस घर में कदम रखते ही मैं पहचान गया था, समझ गया था मैं भली भांति कि ये बहू बन के सेवा करने नहीं, ये तो यहाँ इन महलों में राज करने के लिए आई है, राज करने के लिए। लेकिन नहीं, मैं ऐसा कतई नहीं होने दूंगा। इस घर का एक रुपया भी मैं आपकी बेटी के हाथों में नहीं आने दूंगा। ना, हमारी छोरी का एक रिश्ता ऐसे ही टूट चुका है। देखिए सोलंकी साहब, आप मेरी छुरी को गलत समझ रहे हैं। वो आम लड़की जैसी ना है। मैं मानता हूं वो नीडर है, मुफट है, पर इसका ये मतलब ना है कि वो बड़ों की इज्जत ना कर सके या उनका ख्याल ना रख सके। और उसकी नजर आपके पैसों पर ना है सोलंकी साहब। वो तो खुद कमा के खाने वाली है, दूसरों को खिलाने वाली भी है। और चंद पैसों के लिए वो किसी लड़के को फंसा दे, इसका तो सवाल ही पैदा ना होता। ये बात कर रहे हैं आप? अगर मैं इस बात को प्रूव कर दूं तो आपको उसे घर से निकालने की कोई जरूरत ना है। मैं खुद अपने हाथों से उसे इस घर से दूर ले जाऊंगा। सोलंकी साहब, आपके दो बेटे हैं ना, मेरी दो बेटियां हैं, ये याद रखना। बेटियों का बाप अपनी बच्चियों को गोद में लेने से पहले अपने कंधे पर उनकी जिम्मेदारी लेता है। और इतना भी गया गुजरा ना हो गया धर्मपाल की अपनी छोरियों को पाल ना सके। चल कुसुम। ना भाई साहब, मुझे अभी भी पूरा विश्वास है कि आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। ना आप सुशीला और माधव को पक्केरे के लिए हमारे घर भेजने से पहले एक बार अपना मन जरूर साफ कर लेना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.